हंड्रेड क्यू सीरीज़ का ये आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और डिफरेंशिएशन का कम्बाइंड है। आप इसे डिफरेंशिएशन का भी कह सकते हो और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी कह सकते हो। आपके पास है वाई इक्वल टू दिस नंबर और प्रूव करना है साइन वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और उस नंबर को फिर डिफरेंशिएट करना है। इतना प्रूव करना है और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन आपको गिवन है वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। देखिए हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। हम कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। यूज दिस रिलेशन, हम इसे यूज करेंगे। वाई इक्वल टू क्या आएगा, हम इस कॉट इनवर्स एक्स ये लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स। एक्स क्या है आपका, एक्स है आपके पास रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स। पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये नंबर आएगा वाई इक्वल टू पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला है, यूज दिस रिजल्ट। टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स आपके पास कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर एक्स क्या है, आपके पास एक्स है यहाँ पर अंडर रूट कॉस टू एक्स। आप इसे लिख पाएंगे वाई इक्वल टू पाई वाई टू माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का आपके पास क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स। तो आप इसे लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस अंडर रूट कॉस एक्स होल स्क्वायर। आपने इतना आपने ये लिख लिया। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करिए। इसे लिखेंगे वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, ये नंबर आएगा आपके पास वन माइनस कॉस एक्स। रूट है, इसको लगने पर रूट हट जाएगा, ये आएगा आपके पास वन प्लस कॉस एक्स। इसे आगे सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। याद रख लीजिए वन माइनस कॉस एक्स या वन प्लस कॉस एक्स बहुत अप्लाई होते हैं। वन माइनस कॉस एक्स, यूज द फॉर्मूला वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आपके पास टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। आप इसे थोड़ा कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे इसे, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये लिख सकते हैं आप इजीली, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रहेगा। आप इस पूरे नंबर को इधर ले आइए, इसे लिखिए कॉस इनवर्स
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू, ये पाई बाई टू आपके पास, और इस वाई को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स है, देखिए हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स यदि वाई की इक्वल है तो हम इसे क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ये कॉस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये रिजल्ट हमने अप्लाई किया है इसमें, ये रहेगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आप इसे क्या लिखोगे, साइन वाई, आपको यही प्रूव करना था कि साइन वाई इक्वल टू क्या था, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, हैंस प्रूव्ड, यहाँ तक आपकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन वाई इक्वल टू आपके पास गिवन है, साइन वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब आप साइन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस वाई को पहले आप एक्स मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, कॉस वाई, मानेंगे एक्स लिखेंगे वाई इनटू, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट तो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ध्यान रखिए साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट कैसे करना होगा, कि इस पूरे नंबर को पहले एक्स रखेंगे दिमाग में तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, लिखा वाई जाएगा तो क्या आएगा, कॉस वाई आएगा, फिर आप वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, आप इसमें चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू टेन एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं आप, तो टेन एक्स इसका मतलब है ये टेन एक्स बाई टू का क्या है, होल स्क्वायर है, आप इस नंबर को पहले क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट आएगा टू एक्स, टू टेन एक्स बाई टू, ये आ गया, अब आपने इस नंबर को एक्स कंसिडर किया ना, जिस नंबर को आपने एक्स कंसिडर किया उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको नंबर को एक्स मानना होगा तो क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर आप एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई टू, ये नंबर इस पूरे नंबर का क्या माना जाएगा, डिफ्रेंशिएशन माना जाएगा, यदि आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, ये कि टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस वाई, कई बार हमसे डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए कह सकता है कि प्रूफ दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दिस, जब क्वेश्चन दे रखा है आपको तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं।